हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। 5 दिसंबर 2018 की आज एमसीक्यू सीरीज में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनको बेसिकली में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट है वो है बेसिकली यांगली फेस्टिवल के बारे में। हमें ये बताना है कि यांगली फेस्टिवल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट दोनों सही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि तिवा ट्राइब्स के लोग हैं उनके द्वारा यांगली फेस्टिवल को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यह 3 साल में एक बार है वो सेलिब्रेट है वो किया जाता है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो देखो, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था यांगली फेस्टिवल, ये बेसिकली आसाम में मनाया जाता है और तिवा ट्राइब के द्वारा ही मनाया जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि तिवा ट्राइब के द्वारा बेसिकली यांगली फेस्टिवल को मनाया जाता है और 3 साल में एक बार इसको मनाया जाता है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछती रहती है। तो इसलिए इसका फर्स्ट और सेकेंड दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज से वादा किया था, मतलब स्वराज के लिए वादा किया। दूसरा ये है कि मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि आंदोलन का स्थानिक प्रसार राष्ट्रव्यापी था। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। देखो, हम बात करें असहयोग आंदोलन की या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेसिकली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपो वायरस के बारे में। तो देखो, अभी आपको पता है कि इसी साल नेपो वायरस न्यूज़ में था, तो उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि निपा वायरस है वो बेसिकली जोनथिक डिजीज़ है उसको फैलाता है। इसके साथ ही ये जो डिजीज़ है या नेपो वायरस है यह बेसिकली एनिमल और ह्यूमन दोनों को इफेक्ट है वो करता है, मतलब जानवरों और इंसानों को प्रभावित है वो करता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो फ्रूट बैट्स हैं वो इसके नेचुरल होस्ट होते हैं इस वायरस के। तो देखो, ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि रिसेंटली जो नेपो वायरस के केस हैं इंडिया में वो केरला में नोट है वो किया गया, मतलब केरला में सबसे पहली बार इंडिया में नेपो वायरस के केस हैं वो देखे गए हैं। चौथा स्टेटमेंट दिया गया है कि बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो अभी तक आया नहीं है, इसकी अगर नेपो वायरस किस में फैल जाता है। तो अब आपको बताना है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है कौन सा गलत है। देखो, हम बात करें नेपा वायरस के बारे में, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बेसिकली जोनथिक डिजीज है वो इसके द्वारा फैलती है और ये एनिमल और जानवरों दोनों को इफेक्ट है वो करता है। इसके साथ ही दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो फ्रूट बैट है वो इसका नेचुरल होस्ट होता है इस वायरस का। अब हम बात करें चौथे स्टेटमेंट की, तो जो चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, अभी तक नेपा वायरस का कोई इलाज है वो सफल ढंग से खोजा नहीं गया है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसको जो रिसेंटली केस है इंडिया में वो बेसिकली देखो डिस्कवर किए गए थे वेस्ट बंगाल में। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि केरला में नहीं, ये वेस्ट बंगाल में डिजीज है वो फैली थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ये ध्यान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है रोलेट एक्ट के बारे में। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार को भारी पावर दी। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसने 3 साल तक मुकदमे के बिना राजनीतिक कैदियों की हिरासत की अनुमति दी, सॉरी हिरासत की अनुमति है वो दी, मतलब 3 साल तक बिना मुकदमे के भी जो पॉलिटिकल बंदी हैं प्रिजनर्स हैं उनको आप हिरासत में ले सकते हो। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि गांधी जी ने 1919 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, पहला स्टेटमेंट आपको पता है कि रोलेट एक्ट में हुआ ये था कि राजनीतिक गतिविधियां उनको दबाने के लिए सरकार को पावर दी गई थी ब्रिटिश सरकार को, ताकि इसको जैसे भी जो विद्रोह फैल रहा था एक तरीके से उसको दबाया जा सके। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, यह भी बिल्कुल सही है कि गांधी जी ने इसके बदले में सत्याग्रह स्टार्ट है वो करने की बात है वो की थी। सेकेंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा देखो दिक्कत है। दिक्कत क्या है, इसने बेसिकली 2 साल के मुकदमे की बात की थी कि 2 साल के मुकदमे के बिना राजनीतिक कैदियों को हिरासत में ले सकते हो, 3 साल के लिए नहीं कहा था, 2 साल के लिए। और एग्जाम में यूपीएससी कुछ इसी तरीके से आपको ऑप्शन देती है काफी क्लोज, तो वहां पे हमें स्टेटमेंट को काफी अच्छे से पढ़ना है, मतलब सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पहला और तीसरा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आप एक बार ये चीज बताइए कि जो हमारी ये क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज है इसका आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है या नहीं लग रहा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इसमें और भी ज्यादा जो अपडेट हम कर सकते हैं उनको करें। इसके साथ ही कोई और भी सजेशन है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ताकि हम जिस भी तरीके के नए चेंजेस हैं वो लाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यूजफुल नहीं है इसमें, किस तरीके का चेंजेस होना चाहिए, तो उस तरीके से हम चेंजेस इसमें लाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक मोर्चे पर। क्वेश्चन ये है कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव क्या थे। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है 1921-1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात घट गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा का उत्पादन बढ़ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का जो आर्थिक इफेक्ट था वो बेसिकली हमें पूछा गया है। तो देखो हम बात करें इसकी तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर से स्वदेशी जो को फोकस किया गया था तो भारी कपड़े थे उनका आयात घट गया था और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट या बोल सकते हो कि हैंडमेड जो कॉटन थी उसकी डिमांड बढ़ गई थी, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया था। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैडम बिकाजी कामा के बारे में। मैडम बिकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट यह दिया गया है कि मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा है कि मैडम कामा जी ने दादा भाई नारोजी के निजी सचिव के तौर पर कार्य किया। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि मैडम बिकाजी कामा है वह पारसी माता पिता के लिए पैदा हुई थी, मतलब पारसी जिसके माता पिता थे वो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। हमें यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखो बात करें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ये तो डायरेक्टली फैक्ट के बेसिस पे हैं, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। पहले स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है? गलती ये है कि बेसिकली 1907 में पेरिस में नहीं जर्मनी के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था इनके द्वारा। तो यहाँ पे ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि मैडम बिकाजी कामा है उन्होंने जर्मनी में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ था उसमें इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज वो फहराया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त है वो किया था, कैंसिल किया था। पहला स्टेटमेंट ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड डफरिन, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड हॉर्डिंग। अब आप सोच के देखिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने वाला है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप ये बताइए कि वर्नाकुलर प्लेस एक्ट वो लेके कौन आया था, पहले तो आप ये बताओ कि वर्नाकुलर प्लेस एक्ट वो लाया कौन था, इसके बाद में बताओ कि किसने इसे निरस्त कैंसिल है वो किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं था। इसने ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं था, मतलब कौन यूपी सभा संगठन में शामिल नहीं था। तो जैसे हम जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय इसमें शामिल थे, गौरीशंकर मिश्रा इसमें शामिल थे, इंद्र नारायण द्विवेदी इसमें शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। तो मतलब इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि इसने नहीं वाला ही हमें पूछा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है कि निम्नलिखित में से किसने 1931 में कराची में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें मौलिक अधिकारों का संकल्प है वो तैयार किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली आराम से आप इस आंसर को दे सकते हो। इस साल न्यूज में भी रहा है कराची अधिवेशन, आपको आई होप पता होगा, तो इसके बारे में भी आपको आंसर हो कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट जो चलो आप ये बताइए कि 1931 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने थी, क्योंकि उसी में आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स की बात हो की गई तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अक्टूबर 1920 में इनमें से किसने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए भारतीयों के एक समूह का नेतृत्व किया था। सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1920 में जो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, बेसिकली बात की गई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो देखो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे बताऊँ, पहला स्टेटमेंट भी नहीं होगा, एज सरकार भी नहीं थी, सीपी जोशी भी नहीं थे और इसके साथ एम सी चंगला भी नहीं थे, इसका ऑप्शन होगा डी, एम एन रॉय थे, उनकी अध्यक्षता में बेसिकली नेतृत्व किया गया था और उन्होंने लीडरशिप का रोल है वो यहाँ पे निभाया था कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसने 1933 की शुरुआत में घोषित किया कि कांग्रेस है वो 1930 की तुलना में निश्चित रूप से कम अनुकूलन स्थिति में है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1933 के टाइम पे एक घोषणा हुई थी, किसके द्वारा घोषणा हुई थी वो आपको बतानी है, घोषणा क्या हुई थी वो देखते हैं। घोषणा की गई थी कि कांग्रेस है ना वो 1930 की वजह कमजोर हो गई है और जनता में इसने अब जो अपने आधिपत्य था, जनता पर जो उसका कब्जा था कांग्रेस का, वो कम हो गया है। तो ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, दूसरा है लॉर्ड विलिंगटन, तीसरा है लॉर्ड इरविन और चौथा यहाँ पे है लॉर्ड लिनलिथगो। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, थोड़ा एक बार सोचिए आप इसके बारे में।
क्वेश्चन में आप देखो, आप देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसे साल भर की चीज़ थोड़ी याद रहती हैं। क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमें ये पूछ रहा है कि भाई 1933 में इंडिया में था कौन, गवर्नर जनरल कौन था, वाइस रॉय कौन था, उसकी बात यहाँ पे की गई है हमारी। तो वाइस रॉय आपको बताना कि 1933 के टाइम पे कौन था। देखो हम बात करें 1931 से लेके 1936 तक जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड विलिंगटन। तो लॉर्ड विलिंगटन ने ये बात है वो कही थी। और यूपीएससी ऐसे क्या पूछ सकती है आपको, यूपीएससी आपको पूछ सकती है एक तरीके से, आपको दूसरा स्टेटमेंट बताऊँ, जो कम्युनल अवार्ड की बात हुई थी उसके बारे में पूछ सकती है, कि उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दे सकती है कि 1931-32 के टाइम पे जो कम्युनल अवार्ड आए थे उस टाइम पे ये स्टेटमेंट दिया गया, तो उस टाइम पे ऐसा किसने कहा था या उस टाइम पे कौन लीड कर रहा था, कौन वॉइस वगैरह था। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई 1931 से लेके 1936 तक वो थे और इस दौरान कार्यकाल उनका रहा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है कि दिल्ली में किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मेरी का कोरोप्शन दरबार है, वो कोरोनेशन दरबार है वो। दूसरा ये है कि हिंदू महासभा की स्थापना, और तीसरा है दिल्ली में वॉइसरॉय पे बम हमला। तो आपको ये बताना है कि ये तीनों ही घटनाएं हैं वो किस गवर्नर जनरल की अवधि में हुई थी या किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको देखो बेसिकली बात क्या बताऊं, अगर इन तीनों में से किसी का भी आपको आंसर पता है तो आप आराम से इसको क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको पता है कि इंडिया में जो वॉइसरॉय पे हमला किया गया था बेसिकली, आप सोच के देखिए किसने किस टाइम किया गया था। काफी न्यूज में रहता है कि जो लॉर्ड हॉर्डिंग थे उसके ऊपर बेसिकली बम का धमाका है वो करने की कोशिश की गई थी और उन पर बम फेंका गया था। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन आप आराम से कर सकते हो, इसका आंसर उसी हो जाएगा, होर्डिंग टू है। उनके टाइम पे बेसिकली ये सारे केसेज वो होते, हिंदू महासभा भी उसी टाइम बनी थी और जो दिल्ली में किंग दिल्ली दरबार आया था वो भी उन्हीं के टाइम पे था। तो इसलिए यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन से वो पूछती रहती है। ये थे देखो आज के हमारे क्वेश्चन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।